छठे चरण का चुनाव प्रचार का अभियान अब थम गया है। शाम 5 बजते ही जैसे सुई घड़ी पहुंची है, राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी अपने अपने पाले में वोट करने के लिए। जौनपुर में जौनपुर सदर की सीट और दूसरी सीट मछली साहब पर है, वहाँ पर चाहे सत्ता पक्ष बीजेपी की हो चाहे समाजवादी पार्टी ने हो, पूरी तरह से ताकत झोंक दिया है। इसी क्रम में जनपद जौनपुर में एक और जो है दल है जो कि समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी पूरी ताकत झोंक दिए अपने पक्ष में मतदान करने के लिए। हम इस वक्त मौजूद हैं जौनपुर के जनता के पास और हम समझते हैं कि आखिर क्या वजह है अब की बार की सरकार को लेकर। सर क्या बताइए, क्या वजह बन के आ रही है इस बार? इस बार फिर वही भाजपा आएगी। चुनाव प्रचार थम गया है, अब क्या जनता देख रही है? जनता वही देख रही जो पहले था, जो पहले था। कितना लगता है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दिया था, कई कई मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे थे, किसके पक्ष में मतदान जाएगा? भाजपा के पक्ष में जाएगा मतदान जो है, और क्योंकि मतलब सरकार जो है बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए जो है इन्हीं के पक्ष में जा रहा है। जौनपुर में से कौन से काम है? जौनपुर में बहुत से अनेक मतलब यानी कि अभी देखिए है कि वो हाईवे बना और बाकी जो है पब्लिक को जो है मतलब अपना सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, और उसके बाद आपका जो है मतलब आयुष्मान कार्ड और राशन जो है सभी पब्लिक को बराबर मिल रहा है। तो आपने देखा कि जो विकास की बातें हैं वो तो है, हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाज विकास क्रांति पार्टी के जो है प्रत्याशी भी। आप सर बताएं कि जौनपुर में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि अब तक किसी पार्टी के सांसदों ने पूरा नहीं किया? आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2019 में आई, 2014 में भी थी, आपको पता होगा। तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि भाई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम 14 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो, 14 रुपए भी नहीं डाले। भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के नाम से राजनीति करती है। प्रचार सर, चुनाव का प्रचार का शोर खत्म हो गया है, सभी लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है, उसमें से एक आप भी एक रेस में सब चल रहे हैं, तो अब क्या आगे होने वाला है? देखिए, गन्ना किसान चुनाव चिन्ह मेरा है, मैं 73 लोकसभा का उम्मीदवार हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ समाज विकास क्रांति पार्टी का। लोग कमल के फूल को भूल के गन्ना किसान को पसंद कर रहे हैं, सारी जनता पसंद कर रही है, क्योंकि हम गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आए हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं कि अगर हम जीत के आते हैं तो किसानों के लिए हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, खाद उनको फ्री देंगे, हम यहाँ पे ओवर ब्रिज बनवाने का काम करेंगे, गन्ना मिल बंद है उसको बनवाने का काम करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। वो कौन से सर बड़े 5 मुद्दे हैं जो जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो उन्होंने कहा कि 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ लोगों को भीख देने का काम किया है, जो अनाज देने का काम किया है, तो सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा कि कम से कम 1 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने का काम करूँगा। जो जौनपुर जिले के लोग हैं, मैं ये पूरे देश की बात किया कि कम से कम 1 करोड़ पूरे देश के लोगों को रोज़गार देने का काम करूँगा, और मैं जौनपुर की बात कर रहा हूँ कि जो बेरोज़गार नौजवान उनको सबसे पहले मैं रोज़गार देने का दिलाने का काम करूँगा। दूसरी बात, उनको बिजनेस दिलाने की बात करूँगा। दूसरी बात, जो किसान हैं उनको 100 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करूँगा, और उनको पेंशन, जो 60 साल के ऊपर किसान हैं उनको पेंशन देने का काम करूँगा। हम यहाँ पे ओवर ब्रिज बनवाने का काम करूँगा, राष्ट्रीय लेवल पे खेल का मैदान बनवाने का काम करूँगा। मैं जो गन्ना मिल बंद है यहाँ पे शाहगंज में, उसको खुलवाने का काम करूँगा। तो आपने देखा किसानों के लिए जो ढेर सारे काम करे, आप बताइए प्रचार अब थम गया है, शोर थम गया है, जनता किस तरफ देख रही है? जनता इस वक्त जो है बेरोज़गार घूम रही है, वो एक ऐसा विकल्प चाह रही है कि जो हमको रोज़गार दे। किस तरह का सांसद होना चाहिए? जो भाई सांसद ऐसा ही हो जो हमको रोज़गार मुहैया कराए, हमारी सुरक्षा को देखे, हमारा जो है चिकित्सा को देखे, सुरक्षा और चिकित्सा को देखे। आप बताइए सर कि आप बता रहे थे कि बीजेपी जो है ठीक काम की है, कौन सा ठीक काम किए ऐसे बड़े काम जिसे वो जनता करे? मतलब वोट काम बहुत अच्छा किया है, इसलिए जो है मतलब देखिए शहर में हर जगह जो है लाइट की व्यवस्था, उसके बाद 4 लेन रोड की व्यवस्था, महंगाई बेरोजगारी का है? महंगाई नहीं, महंगाई तो बहुत पहले किसानों के बाद जो है किसानों का काम जो हो रहा सही हो रहा है। अभी तो देखिए 5 पावर तक बिजली का बिल माफ हो गया जो है, जो मतलब इन्हीं सब बातों को ध्यान रख के जनता जो है वोट करेगी, विकास के नाम पर। जब जनता वोट करने जाएगी इस बार, क्या मुद्दे लेके जाएंगे, क्या चाहेंगे जनता क्या चाहेगी? जनता का तो जो है उन लोग कुछ मिल नहीं रहा है, जनता को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप बताइए कि जब जनता मतदान केंद्र पर पहुंचेगी परसों, अब तो प्रचार थम गया है, तो क्या उनके मन में सवाल होगी इस बार, क्या चाहेंगे आपको? मन में सवाल रहेगा अधिक से अधिक जो है विकास काम हो, लोगों को रोजी रोटी की व्यवस्था हो,
विकास, महंगाई, रोजी रोटी, सर क्या आप इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रचार प्रसार में जुटे थे? जी बिल्कुल, जौनपुर का विकास अभी की तरफ देखेंगे तो जौनपुर का विकास नहीं होगा, थाली बजाने से ये नहीं काम नहीं होता, विकास नहीं होता है, ये दीपक जलाने से नहीं। दीपक तो हम अपने घर पे, हम भी हिंदू धर्म के हैं, हम तो अपने घर में दीपक रोज जलाते ही हैं, हम तो मंदिर जाते ही हैं। जनता के सर मन में 25 तारीख को जब वोट करने जाएगी तो क्या लेके जाएगी जौनपुर में, मैक्सिमम आपने काम किया? मैं कह रहा हूँ कि जनता ये लेके जाएगी कि जो किसानों को अपमान भारतीय जनता पार्टी करती है उसका बदला लेने के लिए सारे किसान जाएंगे। मैं 25 तारीख को जब 8 बजे सुबह जाएगी जनता वहाँ पे, तो गन्ना किसान को पोल करने के लिए जा रहे हैं, वोटिंग करेगी गन्ना किसानों को। गन्ना किसान जीतेगा तो किसान जीतेगा, किसान जीतेगा तो जौनपुर जिला जीतेगा, जौनपुर जिला जीतेगा तो देश जीतेगा और देश का विकास होगा, जौनपुर का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ये मैं सारी मुद्दों को लेकर मैं वहाँ पर ये पब्लिक में गया और 25 तारीख को इसका रिजल्ट सामने आएगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 25 तारीख को लोग, हाँ 25 तारीख को जनता के अंदर। जिस तरीके से जौनपुर जो मुद्दे हैं, विकास की बात हो, किसानों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, चाहे शहर के डेवलपमेंट की बात हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जनता आगामी 25 मई को सुबह 6 बजे पहुंचेगी और 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पोलिंग कर अपना फैसला सुना देगी। मनोज सिंह पटेल, न्यूज 18 जौनपुर।